जैन मैं रंजीत चौहान, आप देख रहे हैं ओनली न्यूज नेशन। चीन की चालबाजी, चीन की मक्कारी और दोगलापन आज सबके सामने आ गया है। बीते महीनों में जब चीन ने हिंसक झड़प की थी जिसमें भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे, चीनियों के भी 50 जवानों को ढेर किया गया था, तब चीन की गद्दारी और चीन की चालबाजी 1962 हिंदुस्तान को याद आ गया था। लेकिन उसके बाद चीन लगातार ये दावा कर रहा है कि वो बातचीत का रास्ता खोले हुए है और बॉर्डर पर शांति चाहता है। लेकिन इसी बीच अभी अभी खबर आ रही है कि चीन ने फिर से एक बड़ा कांड कर दिया। इस कांड से हिंदुस्तान की सेना हैरान हो गई है। हिंदुस्तानी सेना ने भी एक्शन लेते हुए चीन को जवाब देने का जो मन बनाया है वो एक्सक्लूसिव वीडियो में आपको देखने दिखाऊंगा। अनुरोध करता हूं कि आज इस खबर को शेयर करिएगा और ये खबर राहुल गांधी तक जाए, राहुल गांधी तक पहुंचे, देश के गद्दारों तक पहुंचे कि देखिए भारतीय सेना किन हालातों में चीनियों को जवाब दे रही है, कैसे कैसे चीन के आग के सामने, चीन के गोलों के सामने, चीन के तोपों के सामने भारतीय सेना सीना ठोंक कर भारत की रक्षा कर रही है। चलिए मैं अनुरोध करता हूँ पहले खबर में जय हिंद लिखिए, फिर वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। पूर्वी लद्दाख में भारत से तनाव के बीच चीन भले ही बातचीत का दावा कर रहा हो, उसकी हरकतें कुछ और इरादा जता रही हैं। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक चीन की पीपल्स लिब्रेशन आर्मी ने पेंगोंग सो और गोग्राहाट स्प्रिंग इलाके में फाइबर ऑप्टिक केबल बिछाने शुरू कर दिए हैं। इससे पहले इस इलाके में पावर लाइन्स भी देखी गई है। इसकी वजह से इंसानी और मानव रहित दोनों ऑपरेशन पर काफ़ी असर पड़ सकता है। दरअसल ओपन इंटेलिजेंस सोर्स डिट्रेस्फा ने भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से दावा किया है कि पीएलए ने पेंगोंग सो गोग्राहाट स्प्रिंग इलाके में फाइबर ऑप्टिक केबल बिछाने शुरू कर दिए हैं। डिट्रेस्फा ने सेटेलाइट तस्वीरें शेयर की हैं जहाँ ये केबल लगाए गए हैं, पावर लाइन्स बिछाई गई हैं। अब स्क्रीन पर देखिए एक फोटो दिख रही होगी, एक तस्वीर दिख रही है। इस तस्वीर में देखिए नीचे जो केबल दिख रही है वो केबल बिछाई गई है। केबल के मायने क्या हैं इसको मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ कि इस केबल के मायने क्या हैं। बता दें आपको कि पीएलए की लद्दाखी और अक्साई चीन क्षेत्र में मौजूदगी काफ़ी कम हो गई, लेकिन लद्दाख में 1597 किलोमीटर सीमा पर उसकी सेना मौजूद है और हटती हुई नहीं दिख रही है। लद्दाख में चीन की पीएलए के रुख से संकेत मिल रहे हैं कि उसे चीन के केंद्रीय सैन्य आयोग से इसकी इजाजत मिली हुई है जो राष्ट्रपति शी जिनपिंग के अंतर्गत आता है। दरअसल चीन के नेता जहां शांति और स्थिरता की बात कर रहे हैं, वहीं उनके प्रतिनिधि भारत की सेना से पेंगोंग सो में पुराने प्रशासनिक बेस को हटाने की मांग कर रहे हैं। यही नहीं, वे कुमग्रांग में पहाड़ी से नीचे जाने के लिए भी कह रहे हैं। इसके बाद भारतीय सेना ने भी अब फैसला ले लिया है, वो अपनी जगह पर डटी रहेगी। भारत पीएलए की किसी डिमांड को नहीं मानेगा, यथास्थिति पर कायम रहेगा। सैन्य कूटनीतिक बैठकों के बावजूद चीन एलएसी पर डटे रहने पर अड़ा है, जिसके बाद भारतीय सेना ने फैसला किया है कि वह कुमग्रांग नदी पर अपनी जगह पर डटी रहेगी जब तक चीन एलएसी पर पहले जैसी स्थिति लागू नहीं करता है। बात समझ में आती है, लेकिन जब चीन एक के बाद वहाँ पर कैंप बनाता है, टेंट और तंबू गाड़ने शुरू करता है, फिर वो एक केबल बिछाता है जो पावर लाइन कनेक्टिंग केबल है, जिससे ये बात साफ हो जाती है कि वहाँ पर वो बिजली लगाना चाहता है। वो विवादित क्षेत्र जहाँ पर हिंसक झड़प हुई थी वहाँ पर वो पावर लाइन केबल बिछा रहा है। पावर लाइन केबल को बिछाने का मतलब क्या है कि वो दरअसल वहाँ पर कुछ अनोखा करने जा रहा है। जब वहाँ पर कुछ ऐसा हो जाएगा तो वहाँ पर ना इंसानी ना मानव रहित ऑपरेशन हो सकता है। अगर होता भी है तो भारतीय सेना के लिए मुसीबत बन सकता है। सेना ने भी इस पर कड़ा एतराज जताया है। सेना ने पीएलए को बताया है कि तत्काल इसको तुरंत ही हटाइए, लेकिन पीएलए जो है हटने को तैयार नहीं है। पीएलए भारत से जंग चाहता है। दरअसल सच्चाई यही है कि पीएलए भारत से जंग चाहता है। उस जंग की शुरुआत वो कब करेगा, कैसे करेगा, इसकी तारीख और डेट निर्धारित नहीं है। वो जंग कर देता, अब तक जंग शुरू कर देता, लेकिन उसे पता है कि जंग तो शुरू कर देंगे साहब, लेकिन इस जंग का खात्मा कितना भयानक होगा इसका अंदाज़ा आज शी जिनपिंग को भी नहीं है।
भारतीय सेना की मदद करने के लिए, भारत सरकार की मदद करने के लिए अमेरिका ने अपने हाथ भारत के साथ मिला लिया है। रूस ने भी भारत का सहयोग समर्थन करने का फैसला किया है। ब्रिटेन फ्रांस ने भी समर्थन किया है। मान लीजिए अगर कोई भी ना करता, अगर अमेरिका ही अकेले अगर खड़ा हो जाए तभी चीन की धज्जियाँ उड़ जाएंगी। अगर अमेरिका भी ना खड़ा हो तो आज हम इतने सक्षम हैं कि हम चीन से सीधी जंग तो लड़ सकते हैं, आमने सामने की जंग लड़ सकते हैं। और आमने सामने की जंग का एक एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल भारत ने गलवान घाटी में दिखा दिया है। हम शहीद हुए, हम 20 जवान शहीद हुए, हमने गर्व से शहीदों को सलूट किया, लेकिन चीन के कितने जवान शहीद किन ढेर हुए ये चीन नहीं बता रहा है। क्यों नहीं बताएगा? उसे पता है कि भारत के 20 जवान शहीद हुए और हमारे 50। ये बात दुनिया जानेगी तो उसकी महाशक्ति बनने का जो ढिंढोरा पीट रहा है वो जो डब्बा है उसका, वो डब्बा फट जाएगा, वो ढोल फट जाएगी जो उसकी महाशक्ति बनने की है। और ये नहीं चाहता है कि उसकी महाशक्ति बनने की जो पोल दुनिया के सामने खुले। सेना अपना काम करेगी और सेना काम कर रही है। बस हमारे देश के राजनीतियों से मेरा एक अनुरोध है कि सेना के काम में, सेना के एक्शन में, सेना के मिशन में अपनी राजनीति ना करें। हम और आप यहाँ पर मामूली ठंडी होती है तो घर से बाहर नहीं निकलते हैं, गर्मी होती है तो पंखा एसी ढूंढते हैं, आंधी तूफान चलता है तो हम कोई कोना ढूंढते हैं जहाँ पर आंधी तूफान के जो झोंके हम पर ना पड़े। लेकिन गलवान घाटी में आंधी तूफान भी आता है, बर्फीले तूफान भी आते हैं, ठंड इतनी होती है कि अगर आप जाएं वहाँ पर तो शायद आप एक दिन टिकेंगे भी नहीं, आपकी मौत हो जाएगी। ऐसे विपरीत हालातों में, ऐसे दुर्गम पहाड़ियों में जहाँ पर चलना मुश्किल होता है, ये नहीं पता होता कि अगले आगे मौत है कि नहीं है, आगे खाई है, आगे कोई नदी है, ये कुछ पता नहीं होता है उस हालातों में अगर सेना डटी हुई है, तो इसलिए ताकि चीन हम पर अटैक ना कर दे, चीन हम पर हमला ना करे। अगर हमला करता भी है तो वो भागेंगे नहीं, वो सैनिक जो हमारे हैं वो वहाँ पर जमेंगे और चीन को इसका करारा जवाब भी देंगे। चीन को बताएंगे कि हम तो 1962 वाले हिंदुस्तानी नहीं हैं, 1962 वाले हिंदुस्तानी जो थे उनके पास हथियारों की कमी थी, जखीरों की कमी थी, 2020 के हिंदुस्तानी हैं, 2020 के सैनिक हैं। हमारे हाथों में आज ऑटोमेटिक AK-47 है, हमारे पास विध्वंसक मिसाइल पीछे तैनात है, आसमान में राफेल सुखोई जैसे विमान मंडरा रहे हैं। हम अगर शुरू करेंगे तो ख़त्म कहाँ पर करेंगे इसका अंदाज़ा चीन को भी आज नहीं है। तो आज मेरा आपसे अनुरोध है कि वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।